दोस्तों बेशक बड़े पर्दे पर फिल्मों में नेगेटिव रोल के लिए अभिनेताओं को ज्यादा अहमियत दी जाती हो, लेकिन छोटे पर्दे पर तो इस मामले में अभिनेत्रियों ने ही झंडे गाड़े हैं, जहां वो एक से बढ़कर एक अदाकाराएं अपने नकारात्मक भूमिकाओं से देश भर में राज करती नजर आती हैं, जिन्हें हर साल टॉप 5 नेगेटिव रोल में सबसे ज्यादा पसंद की गई अभिनेत्रियों की जगह दी जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है साल 2021 में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार साल 2021 में नकारात्मक भूमिकाओं को निभाकर किन अभिनेत्रियों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। यही नहीं बल्कि इस लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन में किस अभिनेत्री ने जगह पाई है, तो देर किस बात की है, चलिए जानते हैं आखिरकार कौन है वो टॉप 5 अभिनेत्रियां जिन्हें साल 2021 में किया जा रहा है सबसे ज्यादा पसंद। नंबर 5 मदालसा शर्मा। जी हाँ, लिस्ट में नंबर 5 पर रखा गया है अभिनेत्री मदालसा शर्मा को, जो कि वर्तमान में मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अनुपमा में काव्या गांधी का किरदार निभा रही है और इन्हें इस नेगेटिव रोल में खूब पसंद किया जा रहा है, जहां ये अनुपमा वनराज के बीच तकरार पैदा करती हैं और इनके इसी अंदाज की बदौलत आज सीरियल को भी दर्शकों द्वारा बेहद ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जहां ये अक्सर अपने नए नए संयंत्रों से सीरियल में एक अलग तरह का रोमांच क्रिएट करती हैं। नंबर 4 प्रणाली राठौर। जी हां, इस लिस्ट में नंबर 4 पर जगह मिली है अभिनेत्री प्रणाली को, जिन्हें आप वर्तमान में सीरियल बैरिस्टर बाबू में सौदामिनी भूमिका का किरदार निभाते हुए देख रहे हैं, जहां ये अक्सर अनिरुद्ध और मौनिता के बीच नफरत पैदा करने की साजिश रचती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर मेलोड्रामा से सीरियल में एक अलग ही तरह की जान डालती हैं। इनकी ऐसी तेज तरार और करारे की आवाज वाले किरदार को दर्शक अपना बेहद खास रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नंबर 3 निधि भावसार। अभिनेत्री निधि भावसार वही है जो वर्तमान में सीरियल पिंजरा खूबसूरती का में ऐश्वर्या भारद्वाज का किरदार निभा रही हैं, जहां इन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने नेगेटिव रोल से भी सीरियल को बेहद इंटरेस्टिंग बना दिया है, जहां ये मयूरा से बदला लेने आई है, जिसने ऐश्वर्या को धोखा देकर ओमकार से शादी रचाई है, और इसी बात का बदला लेने के लिए ये मयूरा की जिंदगी में कई तरह की चुनौतियों से भरे टकराव पैदा करती है। हालांकि इन्होंने कुछ समय पहले ही सीरियल में एंट्री ली है, पर इतने कम समय के भीतर ही दर्शक इनके ऐश्वर्या भारद्वाज के किरदार को बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो इन्हें नंबर 3 की पोजीशन मिली है। नंबर 2 आर्य रावल। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की मिशानो सिंह के किरदार को निभा रही अभिनेत्री आर्य रावल के नेगेटिव रोल ने पूरी टीवी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है, जहां ये सीरियल में अक्सर हीर की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती है और इनके इसी बदले की आग को पेश करने के लिए इनकी बदौलत ही हमें सीरियल में कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आर्य रावल इतनी पॉपुलर हो गई है कि इन्हें आज किसी पहचान की जरूरत ही नहीं है। नंबर 1 मोनालिसा। जी हां, अभिनेत्री मोनालिसा वही टीवी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सीरियल नमक इश्क का में इरावती वर्मा का किरदार निभाते हुए न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री पर राज किया, बल्कि आज ये आप और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन चुकी हैं, जहां सीरियल में इन्हें इरावती वर्मा की ऐसी नकारात्मक भूमिका में देखा जा रहा है जो पैसों की लालच में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। साथ ही इनके भोजपुरी अंदाज को भी दर्शकों द्वारा बेहद प्यार मिल रहा है और इसी की बदौलत आज इन्होंने टॉप 5 नेगेटिव रोल निभाने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में टॉप पर जगह बनाई है। तो दोस्तों, नकारात्मक किरदारों को निभाकर टीवी इंडस्ट्री में छा जाने वाली इन अभिनेत्रियों में से आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी चटपटी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।